कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चौहार घाटी की कथौक पंचायत के एक दिवसीय दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से प्रदेश की बीजेपी सरकार बनी है, चौहार घाटी ही नहीं बल्कि पूरे द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं। वहीं कौल ठाकुर ने कहा कि किसानों का केंद्र सरकार पर ये आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में तीन काले कानून लागू किए हुए हैं। किसान तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए पिछले 70 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों के विरोध में बेबिल बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अंदेशा है कि मोदी सरकार ने उन तीनों बिलों को किसानों की जमीन छीनने के लिए बनाया है। आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस कमेटी कथोक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला और लोगों जनसभा को संबोधित करने का मौका मिला। इस बात की भी खुशी है कि मेरे पहुंचने पर यहां लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जब मैं अध्यक्ष बतौर मंत्री की आता था उसे भी ज़्यादा स्वागत किया और काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उसके उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों ने यहाँ पूरा इंतजाम किया था और विशेष तौर पे जो कांग्रेस कमेटी कथोग है और कांग्रेस के हमारे कार्य कांग्रेस जन हैं उन्होंने यहाँ एक धाम का भी प्रतिभोज का भी आयोजन किया था जिसका हमने आनंद उठाया है। जनसभा को संबोधित हुए मैंने कहा लोगों को कि जब से हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी है, जयराम की सरकार बनी है, विकास के काम सारे ठप होकर के रह गए हैं और चौहार घाटी को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, द्रंग कंस्टिट्यूएंसी को नजरअंदाज किया गया है। कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, कोई नए स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कोई स्कूलों का दर्जा नहीं बढ़ रहा है, कोई स्वास्थ्य संस्थाएं नहीं खुल रही है और पीने के पानी की स्कीमों के भी कई जगह बुरे हाल है। जो स्कीमें हमने बनाई थी उनका ठीक तरीके से रखरखाव नहीं हो रहा है। यहाँ सिंचाई और जनस्वास्थ्य विभाग के सभी जितने भी कार्यकर्ता है, सरकारी मुलाजिम है, उन सबको एक जगह पर धमचान पंजौरनी नाले में भेज दिया गया है। बाकी स्कीमों का जो है पूरी तरह से नजरअंदाज की गई है। आज हिंदुस्तान के अंदर किसान जो है 70 दिन से एक हड़ताल किए हुए है। वो कहते हैं जो काले कानून, तीन काले कानून जो है मोदी सरकार ने बनाए हैं वो किसान विरोधी है और किसानों की जमीन छीनने का उसमें पूरा अंदेशा है। और इसलिए हम सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों की मांग जो है वो जायज है और इन तीनों काले कानूनों को जो है उसको सरकार वापस ले। अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन अच्छा होता अगर मोदी इन कानूनों को वापस ले लेते, अपील करते और फिर नए सिरे से किसानों की सहमति से, उनके नेताओं की सहमति से नए कानून बनते।